आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। बिहार के जमुई झांझा में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई झेल रहा है तो गरीब तबका, जिसे देखने वाला कोई नहीं। पैरगाहा गांव के डीलर सुबोध रजक किसी भी ग्रामीण को अनाज नहीं दे रहे हैं। ऐसे में गरीब जाए तो कहां। ग्रामीणों में आक्रोश फैल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां 5 किलो अनाज मिलना चाहिए वहां पर 3 किलो, किसी को 2 किलो मिल रहा है तो बहुतों को तो दिया ही नहीं जा रहा है। 2 किलो अनाज देकर 5 किलो का पैसा लिया जाता है। सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त देने की बात कही है लेकिन डीलर नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जनता भूख से परेशान है। आज अंचलाधिकारी अमित कुमार गुंजन पैरगाहा गांव आए। उनकी मुलाकात डीलर सुबोध रजक से हुई। उन दोनों में क्या बातचीत हुई ये कोई नहीं जानता। अंचलाधिकारी अमित कुमार गुंजन के साथ प्रशासन की टीम भी गांव आई थी, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा प्रशासन की गाड़ी को कुछ देर रोका भी गया। लोगों का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम लोग काम करके कुछ पैसे कमा कर अपना पेट भर लेते, लेकिन अभी कमाने का रास्ता बंद है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। परगाहा पंचायत परगाहा और गरुड़ स्थान के पास खड़े हैं। हमारे समय बहुत सारे जनता हैं जो काफी दिनों से समस्या से जूझ रहे हैं। वो समस्या ये है कि हमारे ग्राम में, हमारे परगाहा पंचायत में डीलर सुबोध के द्वारा इनको राशन नहीं दिया गया है। तो आज लगातार 3-4 दिनों से प्रदर्शन ये करते आ रहे हैं और आज सीओ साहब और कुछ पुलिस भी आए हैं, तो क्या बता सकते हैं आप? सीओ साहब आए उसके बाद क्या कदम उठाया गया? हम लोग के यहाँ सीओ साहब आए और डीलर साहब के घर गए, सीओ साहब आए और उसके घर में अंदर में घुस करके क्या बातचीत किया नहीं किया, और उसके बाद फिर सीओ साहब यहाँ से निकल गए। किसी भी कार्डधारी से कुछ भी पूछताछ भी नहीं किया कि क्या हुआ, नहीं मामला क्या है सर, किसी को मतलब पूछा भी हम लोग तो पुलिस से रगड़ बहाने लगा। सीओ साहब बोला बिल्कुल घर जाओ, तुम लोग राशन नहीं मिलेगा। राशन बोला कि बोल मिल गया। जिसको जिसको 2-4 को मिला था उसको बोला मिल गया और हम लोग का किसी को नहीं मिला। तो इसके इनके बातों से हमें ऐसा ही लग रहा है कि सीओ साहब को मतलब कुछ मिला होगा, पैसा मिला होगा। आपको क्या लगता है, किसी के साथ कुछ दिया गया है सुधर के द्वारा? घुस से काम किया गया है। घुस से काम किया गया है जी जी। अंदर में क्या जा करके बात नहीं हुई है तो पता नहीं है। राधे मिस्त्री, एगो शंकर पंडित, तीन आरो एगो आप साइड होइए। हाँ अभी साइड होइए बोलने के साथ साथ जो बात हुआ आपको ये पता था कि अप्रैल माह की नहीं दे रहा है? अप्रैल और जून हम नहीं जान रहे। आप उससे कैसे कैसे कहवा दिया? हमको यही कहा कि 2 बार में मिला कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। हमको 2 बार, एक बार फ्री वाला, एक बार पैसा वाला, मार्च वाला दिया था। यदि आप नहीं बोलते तब क्या कर रहा था? वहीं दूसरी तरफ जमुई झांझा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायत कर्मा गांव लालवेरो में भी कुछ ऐसा ही हाल है। जिला परिषद मनोज यादव के निरीक्षण क्रम में डीलर उपेंद्र कौल अपनी मनमानी कर रहा था। जिला पार्षद मनोज यादव ने जब डीलर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कमीशन ऊपर तक पहुंचाता है और उसने कहा कि वो ये कटौती करता रहेगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जाहिर करते हुए बताया कि इस डीलर की मनमानी का रवैया लगातार चलता चला आ रहा है। झांझा प्रखंड में लगातार डीलरों द्वारा मनमानी की जा रही है। डीलरों पर रोक लगाने में अधिकारी असफल हो रहे हैं। 20 किलो चार, अच्छा 13 किलो गेहूँ, फ्री वाला 35, फ्री वाला अभी 10 किलो दिया, अभी फ्री वाला 10 किलो दिया, 10 किलो दिया, हाँ अभी फ्री वाला 10 किलो दिया, हाँ 10 किलो दिया। अब पैसा कितना लिया? 120 का, 120, हाँ 120। क्या क्या किलो काट लें? 2-2 किलो, 20 किलो चार, 4 रुपये काटता, क्या किलो फिर कट, 1 किलो गेहूँ का, किलो चावल ना, तो नहीं करता है। हाँ हाँ वो साहब बोल रहे हैं सर, ये आप 120 रुपये लेने के रेट है क्या? अच्छा,
हुआ उस टीम कथित में हमको जरूर रखिएगा। हमको नहीं करना है ना, आप मनोज की बात नहीं पूछ रहे हैं, आप बात समझ नहीं रहे हैं। हमको नहीं करना है, टीम को वीडियो सीओ होती भी पीओ। अच्छा, 3 महीना के लिए वही मालिक है। अच्छा ठीक, हमको भी लिख देते हैं तो उसको लिख देता है। हाँ वो ठीक है, उस टीम में हम रहेगा। जैसे बोल रहे सर ये जो हेलो, हाँ दो दो किलो काट करके भी अनाज सबको दिया गया है। आप उसका रिपोर्ट भी हो कीजिए, लेकिन उसमें कार्रवाई हो। और अभी हम हाँ न ठीक, हम रिपोर्ट करते हैं, आगे रिपोर्ट करते हैं। आवंटन तो जो है ही क्या विद्युत नंबर जो क्या विद्युत नंबर जो दो बोल रहे सोच लो कम से कम कितना कुंतल तुम्हें आराम बचा। अब बचा अगर घटेगा तो कितना कुंतल घटेगा? नहीं घटेगा नहीं, नहीं अगर अगर भैया अगर 3-4 किलो कुंतल अनाज आपका ऐसी बच रहा है। हाँ तो ठीक है, कुंतल अनाज ऐसी आपका बच रहा है, कहने का मतलब अगर हवा में बांट करके बच रहा है 2 कुंतल। एक दो अगर उसके प्लस 30 रुपया तो ले भी रहे सबसे ज्यादा। नहीं देखिए 30 रुपया गलत बात है, ये ले चलेगा भाई जो बात है की जाती 3-3 महीने में चल देंगे। हम कुछ करेंगे कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है, हम कहने के लिए आए थे। 3 महीना भाई गड़बड़ी करेगा तो बदला से बात हो जाएगा, जो बात है हम टीम के जितने बना लेंगे। बिहार के जमुई जाडा से केकेडी न्यूज़ से हमारा दाम मिथुन कुमार की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़।